अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आज की जो ये वाली सीरीज़ है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपके पास जो नॉलेज होती है, आप उसको किस तरीके से अलाइन करते हैं, और जो के रेलेवेंट सवाल आ रहा है तो उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। क्योंकि नॉलेज को इंटीग्रेट, नॉलेज को अलाइन करना असल टास्क होता है, और यही बेसिकली आपकी स्किल होती है। अगर आपको ये करना आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ सवाल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ये मॉक, बेसिकली मॉक क्वेश्चंस हैं, तो उसको सॉल्व मैंने किया हुआ है। एक सैम्पल है, आउटलाइन टाइप की है, आप इसके अंदर अपनी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडल आपको आइडिया देने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन में ये था कि एक रिवाइवल, हमारा रिवाइवल हो गया TTP के अंदर, अलार्मिंग सिचुएशन है, और एरियाज़ बताए गए थे जो कि फाटा के साथ मर्ज किए गए थे, वो सारे एरियाज़ में TTP का रिवाइवल हो रहा है। सही है, ये क्वेश्चन गिवन कंडीशन थोड़ी सी आगे तक दी हुई थी। उसके आगे लिखा हुआ था कि इवेल्यूएट आपने करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि द रीजन्स एंड गिव पॉलिसी मेजर्स। तो ये तो पता चल गया कि दो चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पर, टू आउटकम। सही है, द एक्सपेंशन ऑफ टेररिज्म, मतलब आपको एक्सपेंशन को कैसे, टेररिज्म को हम कंट्रोल कर सकें, एक तो ये बताने के रीजंस क्या हैं इसकी, और उसके पॉलिसी ऑप्शंस देने कि हम कैसे कंट्रोल कर सकें। तो आपको पहले क्वेश्चन समझने हैं। सबसे पहला पार्ट ये है जिसको आप 1 कहेंगे, और दूसरा पार्ट ये है कि इसको डिवाइड कहें, क्योंकि क्वेश्चन आपका होता है जैसे कि 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपने इसमें डिवाइड करना है, और तरीके से आपको आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, हम इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं, तो इंट्रोडक्शन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उससे कोई भी रेलेवेंट कोटेशन वहाँ पे ऐड कर लें। तो सबसे पहले रेलेवेंट कोटेशन आपको ऐड करेंगे, तो वो यहाँ मैंने लिखी है, जैसे कि सिक्योरिटी इज़ द एब्सेंस ऑफ थ्रेट। बहुत कॉमन सी है, छोटी सी छोटी छोटी आपको कोटेशन याद करनी है ताकि आप क्वेश्चन में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। ये है आर्नल्ड वोल्टर की। सही, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में ना पूरा उसका आउटकम, आउटवर्ल्ड वो देना होता है, पूरा आउटलुक देना होता है क्वेश्चन का, कि आप उसमें बात क्या करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहने लगेंगे, कहेंगे कि देखिए, जैसे कि सेक्टेरियन आउटफिट टेररिस्ट, और ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी है ना, ये आपकी स्टेट की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकेबलरी अपनी ऐसी रखनी है जो कि रेलेवेंट हो। बहुत बिल्कुल आम भी लिख सकते थे कि TTP इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये लिखा है सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट। ये चीज़ आपकी स्टेट यूज़ करती है, क्योंकि आपके जो उनकी पॉलिसी मेजर्स, जो उनकी टॉक्स होती हैं, जैसे कि प्री का होता है और एक दो और होते हैं, सिप्री है, दो तीन, इनके अंदर जो टॉक्स में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो आप अगर पेपर में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ओवरव्यू आपको देना है कि सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान का, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका रिवाइवल हो गया, मैंने बताया कि उसने केओस डाल दिया KPK के एरियाज़ में, यही वाली बात है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में रोड्स पे आके डिमांड करनी शुरू कर दी है पीस की, कि ये क्या बात हुई, आपकी जो टॉक्स चल रही हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख के, फिर लिखेंगे तालिबान बैक इन पावर हो गए, तालिबान अफगानिस्तान में बैक आ गए, उसकी वजह से TTP ने अपनी टेररिस्ट फंक्शन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ KPK में बढ़ गई हैं। तो ये आपने पूरा इंट्रोडक्शन देना है। उसके आगे लिखना है कि कंडक्टेड उन्होंने सीरीज़ ऑफ अटैक्स, सीरीज़ ऑफ टॉक्स हमारे हो रहे थे जो कि हमारे 2008 से चल रहे हैं। इसमें एक दो नाम आप लिख सकते हैं जिनके साथ आपने, क्योंकि असल बात यह है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपके सामने ना तो कोई डेटा होता है, ना कोई मार्क्स को शीट होती है, आपने उसको ओरली अपनी नॉलेज को अलाइन करना होता है, तो ये एक्सेल स्केल है। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बगैर उसके, क्वेश्चन को रैंडम आप पिक करें और उस फिर उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये कर दें, उसके आगे फिर आ जाते हैं कि रीजंस हमने लिखे हैं। रीजंस क्या हैं कि भाई, रीजंस मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, रीजन में सबसे पहले तो आपको पता है जैसे कि तालिबान का रिवाइवल हुआ, तो हम लिखेंगे तालिबान के रिवाइवल की वजह से तालिबान TTP को बूस्ट मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रिजन्स को, प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया, एक दो के अगर आप नाम लिख दें प्रिजनर्स के, सही है, तो वो आपने लिखने, प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया, जिस वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। पहली बात तो ये हो गई, इसकी वजह से आपका यहाँ पर बूस्ट आया है, किधर, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बूस्ट मिला है, सपोर्ट मिली है। अच्छा, दूसरा रीज़न आप ये लिखेंगे कि पाकिस्तान का मिसकंसेप्शन था रिगार्डिंग TTP एंड TTA, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में, हमने शुरू से यही, मतलब कह सकते हैं कि अब मतलब नैरेटिव बनाया कि ये भाई ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप टूट रहा था, जिसको बैक वाटर बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बैक वाटर, तो ये पाकिस्तान ढूंढ रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर। सही है,
तो इस तरीके से फिर हमारी इस पॉलिसीज़ फ्लॉड पॉलिसीज़ की वजह से कि यार टीटी अलग है, टीटी पे अलग है, और अब जाके जब वो रिवाइवल हो रहा है तो हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे। एक सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये है। इसके बाद आ जाता है कि भाई मिलिट्री का जो तीसरा रीज़न है कि मिलिट्री का ईज़ है इस एरियाज़ में, मिलिट्री ने ईज़ का होल्ड कम हो गया है इसकी। जब जब आपके जो थे ऑपरेशन ज़रब अज़ब, उसके बाद 2018 में एक ऑपरेशन किया था उसने आपके बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर आता है, तो वो अब जब ख़त्म हो गए थे ऑपरेशन के बाद से, तो वहाँ हमारा ना होल्ड हल्का कम हो गया था होल्ड। तो इस वजह से वीकर इंटेलिजेंस है, चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी एक ये भी एक रीज़न है टीटीपी के रिवाइवल का। इसके बाद आ जाता है कि सीरीज़ ऑफ फ्लॉड टॉक्स। अब फ्लॉड टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि यार हमने ये ऑक्स आर्ग्यूमेंट इसके इनके साथ बहुत ज़्यादा पीस टॉक्स करने की कोशिश की है 2008 से लेके अभी तक, लेकिन हमेशा से वो फेल्ड होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अल्टीमेटली जाकर उनको टॉक्स करते हैं। तो ये हमारी वो स्ट्रेटेजी है, इस वजह से हमेशा तालिबान का रिवाइवल हो जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट ये है कि बेसिकली आपने ये पैराग्राफ्स है जिनको मैंने वन लाइन में डिफाइन की, मतलब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको इनको एक्सपेंशन करना है आगे, पूरे पैराग्राफ्स बनाने। इसके बाद है कि US विड्रॉल एंड सर्ज इन सेक्टेरियन रिफ्ट। अब सीन ये है कि जब US का विड्रॉल हुआ ना, इसकी वजह से सेक्टेरियन डिवाइड मज़ीद बढ़ने लग गया है कि वहाँ पे आपके अलकायदा है, ISIS है, ETIM है, और भी एक दो हैं। तो मतलब इस तरीके से वो सारी उन्होंने अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया, और इस वजह से अल्टीमेटली किसके रिवाइवल TTP को भी ज़्यादा बूस्ट मिला, और उसकी वजह से कोलेबोरेशन का भी सुनने में आ रहा है कि TTP और अलकायदा आप इसमें जॉइन हैंड्स कर रहे हैं, और वो ज़्यादा बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरीके से फेल्ड टॉक्स विद तालिबान। तालिबान के साथ यार सीन ये है कि हमने तालिबान को कन्विंस नहीं कर सके, तालिबान को हम कन्विंस नहीं कर सके अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। और हम मतलब बहुत खुश हो रहे थे कि तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान पीस हो जाएगा, जो हमारी पॉलिसी है पीस विद इन पीस विदाउट वाली, तो वो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कुछ फ्लॉज चल रहे हैं, इस वजह से ये हमारे साथ यहाँ पे ये हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिसी ऑप्शंस की तरफ। आपने रीज़न सारे पैराग्राफ्स के अंदर डिफाइन करना है, इसके बाद आप पॉलिसी ऑप्शंस बताएंगे। पॉलिसी ऑप्शंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि सबसे पहले ये हो सकता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। कंट्रोल, इमीडिएट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट कंट्रोल करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की थ्रू, सही है। अच्छा, अब इसके लिए फिर कोई ना कोई ऑपरेशंस आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से, ठीक है, इनको यूज़ करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, अब इमीडिएट कंट्रोल करेंगे थ्रेट को और उन लोगों को मतलब पकड़ेंगे, ताकि यार वो जो हादसा जो बीच में हुआ था, एक DSP को उठा लिया था और एक आर्मी ऑफिसर को उठा लिया था, तो वो ना हो, SHO को उठाया था। तो इसी तरीके से दूसरा काम ये हो सकता है कि एक्सपीडाइट फंक्शनिंग ऑन टॉक्स विद TTP। अब जो TTP के टॉक्स है ना, उनको किसी तरफ लगाया जाए, दिस शुड बी परसूड थ्रू पार्लियामेंट अप्रूवल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आपकी टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है, और उनको किसी फाइनल प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं मतलब हम टॉक्स चल रही हैं और किसी को नहीं पता, तो इसको मतलब हिडन डिप्लोमेसी से बाहर लेके आएँ, इसको मतलब ब्लेडेंट करें और सामने लेके आएँ। स्टार कॉपरेशन होने चाहिए, ठीक है, स्टार बातें होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा ये कि प्रेशर एग्जर्ट किया जाए तालिबान पे, तालिबान को यूज़ किया जाए, भाई TTA को बताया जाए कि हम लोगों ने आपकी हेल्प की है, पीस टॉक्स किए हैं, उनसे उनका लेवरेज यूज़ किया जाए, इकनॉमिक सपोर्ट की बात करते हैं, CPEC में इंटीग्रेट कर सकते हैं उनको। तो ये सारी बातें आपने इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। इसके बाद आते हैं रिलीजियस क्लाउड को अपने यूज़ करें, जैसे कि हमारे वो तकी उस्मानी साहब गए थे वहाँ पर बातें करने, वो डील करने, और इस तरह जिरगा सिस्टम जो होता है तो वो यूज़ किया जाए, और उनको बात करने के लिए फ्यूचर एग्रीमेंट्स पे परसू किया जाए कि भाई हमारी बात मानो, जाहिर है रिलीजन आपको क्लाउड यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद ये कि KP को कोई पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रॉपर पॉलिसी ऑप्शन है, ऐसे नहीं चलेगा कि बातें चल रही हैं और कोई उनको मतलब प्रॉपर कोई एक उनका एरिया हो कि अगर वो अपना क्विट कर रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, उसके बाद आएंगे और तो उनको एक शेल्टर हो, उनकी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो, तो वो मतलब इनके साथ डीलिंग करें और उसके साथ प्रॉपर एक सेटिंग बना के उनको स्टे कराएं अपने KP के अंदर। तो एक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, मतलब ऑल इनकम पासिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेट TTP पीपल अंडर पाकिस्तान अम्ब्रेला। अब बात ये है कि उनको एक पाकिस्तान का नैरेटिव लेके आए, ज़रूरी नहीं कि वो TTP बेसिकली रिलीजियस सेंटीमेंट्स को रूज करती है ना, तो आपको ये करना है कि पाकिस्तान के अंदर लेके आना है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है और हम इस तरीके से सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जा सकते, ऑलरेडी एक आपका हाइब्रिड मॉडल हमारा चल रहा है, सही है। तो उनको हमने यहाँ यूँ इंटीग्रेट करना है कि एक पाकिस्तान, इसके लिए हमारा प्रोग्राम हुआ था पैगाम है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को हमने 2018 में साइन किया था डॉक्यूमेंट्स, हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, और ये NSP सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है जिसमें सोशल कोहेशन का जिक्र है, सोशल कोहेजन, और इसके अंदर
मज़ीद ये है कि इंटरनल थ्रेट्स को कैसे टैकल करेंगे टॉक्स के थ्रू और वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपका ये वाला मॉडल चलेगा।